नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर पंचायत के हरिदासपुर शाहपुर में सड़क किनारे एक युवक हाईवा ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि युवक शौच करने सड़क किनारे गया हुआ था, तभी अज्ञात हाईवा ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और चोट ज्यादा लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक युवक की पहचान हरिदासपुर निवासी महेंद्र मंडल के पुत्र प्रवेश कुमार के रूप में हुई है। मृतक चार भाई में सबसे बड़े थे, जो मजदूरी कर अपने घर परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। जाने के क्रम में रोड के बगल में किसी हैवा ने, वो हमारे गाँव का बगल में जाता है, कम से कम 40-50 लड़का दौड़ के लिए, बगीचा है और उधर सब लेटरिन वेटरिन भी जाते हैं, वही लोग देखा तो फोन किया। भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने स्विमिंग पूल, ओपन थिएटर, स्टेडियम, वॉलीबॉल ग्राउंड, जिम, बच्चों के खेलने के पार्क के साथ कई जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने कई कमियां देखकर इस पर सवाल भी खड़े किए। सांसद ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसे का बंदरबांट हो रहा है और राजस्व की पूर्ण रूपेण बर्बादी हो रही है। वहीं मल्टीपर्पज जिम को लेकर सांसद ने कहा कि इस जिम का शुल्क इतना अधिक है कि इस जिम में मध्यम और गरीब तबके के लोग इसके लाभ से वंचित हो जाएंगे और इस जिम को बनाने का कोई फायदा आम लोगों को नहीं होगा। सांसद अजय मंडल ने कहा कि आम लोगों के लिए जिम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो फिर यहां अधिकारी लोग जिम करने कैसे पहुंच जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी हो या आम लोग, सबके लिए एक नियम बनाया जाए। जबकि स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों में अनियमितता की बात को लेकर वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करेंगे। वॉलीबॉल के भी फील्ड को सुसज्जित करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं किया। अभी खिलाड़ियों से मिल रहा था जानकारी, बार बार आनंद बाबू से जानकारी मिल रहा था कि फील्ड का स्थिति तो ऐसा बना करके रख दिया जो कहने से बाहर है। क्या लगता है लूट हुआ है पूरा स्मार्ट सिटी में? लूट नहीं, महालूट। लूट तो कह ही नहीं सकते, इसको महालूट कहिए। स्मार्ट सिटी को बर्बाद कर दिया है लूट करके। आज तक जिम तक खुला तक नहीं हम लोगों के लिए। ये तो अभी आनंद बाबू का भी कहना है जिम्स नहीं खुला है, और पेपर के माध्यम से तो पता लगता है इसका सब कुछ हो चुका है। अब आप लोग अधिकारी भी आवे तो अपना तला लगा दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ हूँ। क्या बात? वो भी जिम नहीं करने करेगा, ना कोई अधिकारी जिम करेगा। जिम में तला लगाइए, कहिए कोई अधिकारी जिम नहीं करेगा। भागलपुर नगर निगम की नव निर्वाचित महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नाथनगर पहुंचकर बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के पुजारी माना शुक्ला और दिलीप शुक्ला के द्वारा मंत्रोच्चार कर पूजा सम्पन्न कराया गया, जिसके बाद मेयर मंदिर समिति के द्वारा आयोजित कम्बल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुई और 100 से अधिक गरीब, असहाय और निर्धन लोगों के बीच कम्बल का वितरण किया गया। मौके पर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के महामंत्री देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, वार्ड पार्षद मनोज पासवान, वार्ड पार्षद मनीष कुमार समेत काफी संख्या में मंदिर प्रबंधन के सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद थे। यहाँ की प्रमुख समस्या तो जो मेरे समझ में आ रहा है वो जल जमाव की समस्या है। नाले सब जगह बंद पड़े हुए हैं और उसके चलते रोड पे पानी आ जा रहा है और लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ। मैं उसके लिए बहुत प्रयासरत हूँ और मैं जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ गई भी, कल वहाँ गई थी। 51 वार्ड है वो वार्डीगंज का, तो अभी वहाँ पे जो परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं कर पाऊँगी तुरंत, लेकिन टेम्पररी जो जल जमाव की समस्या है उसको दूर करने के लिए जो भी कार्य किया जाना चाहिए वो हो रहा है और कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है। वो टेम्पररी अरेंजमेंट हो जाएगा और परमानेंट के लिए मैं लगी हुई हूँ, टेंडर पास हो गया है, वो भी काम जल्द शुरू। भागलपुर अंतर्गत सुल्तानगंज नगर परिषद के नगर सरकार भवन में नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद राजकुमार उर्फ गुड्डू और उप मुख्य पार्षद नीलम देवी ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद सभी 28 वार्ड पार्षदों के साथ मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद ने बैठक की, जिसमें स्वच्छता और जल जमाव की समस्या
समस्या पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस दौरान नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद राजकुमार गुट्टू ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के दक्षिणी भाग में अक्सर जलजमाव की समस्या बनी रहती है और इसे समाप्त करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज दक्षिणी क्षेत्र के जितने भी नगरवासी हैं उन्हें जलजमाव की समस्या से छुटकारा मिल सके, इसके लिए नगर परिषद की पूरी टीम और लोगों को भी जागरूक होकर कार्य करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर सुल्तानगंज नगर परिषद देश में चौथे स्थान पर है और अगर सभी पार्षदों का इसी तरह सहयोग रहा तो सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र देश में पहले पायदान पर भी हो सकता है। इसके अलावा कबीर अंत्येष्टि में मिलने वाली राशि परिजनों को बाद में देने की बजाय घटना के वक्त ही देने की अनुशंसा करने की बात बैठक में कही गई। जो नगर परिषद सुल्तानगंज के क्षेत्र की जनता ने मुझे यह कार्य सौंपा है, मैं उस कार्य का निर्वहन अपने कर्तव्यों से करूंगा और श्रावणी मेला का मैं विस्तार इस क्षेत्र पूरे क्षेत्र में करना चाहूंगा। और जो हमारे सुल्तानगंज की एक पहचान है उत्तरवाहिनी गंगा के बीचों बीच बाबा अजगैनीनाथ का मंदिर है, उसका सौंदर्यकरण का भी मैं कार्य करूँगा। और अभी हमारे पूर्व माननीय पार्षद निरंजन चचा जी के द्वारा एक बात अवगत कराई गई कि सुल्तानगंज नगर का जो है नाम वो बाबा अजगैनीनाथ के नाम से हो, तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि इसके लिए उन्हें पत्राचार किया। जहां तक हो पाएगा मैं आम लोगों की सहमति से इस कार्य को करने का प्रयास करूंगा। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले में शादी हो रही थी जहां भीड़ का फायदा उठाते हुए नशे में धुत एक चोर ने मोबाइल पर अपना हाथ साफ कर लिया। वहीं इसके बाद अचानक ग्रामीणों की नजर उस चोर पर पड़ गई और लोगों ने चोर को रंगे हाथ पकड़कर उसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मुजाहिदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई। हालांकि इस दौरान चोरी की घटना को अंजाम देने के क्रम में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला, लेकिन पुलिस के आने के बाद लोगों को राहत मिल सकी। मोबाइल चोरी किया वो, अच्छा ठीक है, घर से घुस करके मोबाइल चोरी किया और चार्जर उसका चोरी किया। क्या नाम हुआ है? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार है। आप ही का मोबाइल था? पुलिस को सुपुर्द कर दिया ना उसको? हा? पुलिस को सुपुर्द किया ना? हाँ बोल दिए। हाँ ये पुलिस थाना वाला नहीं गया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं इंद्रदेव प्रसाद सिंह हूँ, मेरा घर खगड़िया जिला पसराहा है। मैं जो है यहाँ पर डायबिटीज का इलाज कराए, अभी फर्स्ट टाइम में जब पहले तो हम ये कराए हम एलोपैथ से इलाज कराए लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। अभी फर्दर टाइम में जो है ये डॉक्टर एक राय के निकट से डायबिटीज का इलाज कराए तो एक सप्ताह में जो है फर्स्ट टाइम में जो एक सप्ताह हुआ और उसके बाद से जो हमको परिवर्तन आया, काफ़ी बेनिफिट आया और अभी हमारा रोगी ठीक है। और 3 महीने के बाद भी दवाई खाए, पहले खाए उसके बाद जो है अभी रेस्ट ले लिए हैं लेकिन स्थिरांक में है। मैं एक महीना से तो दवा नहीं खा रहा हूँ लेकिन जो है ये डायबिटीज़ का जो है पोजीशन सब कुछ खाने के बाद भी अभी ठीक है। इस इलाज पर विश्वास है, गर्व से मैं कहता हूँ कि मुझे मैं संतुष्ट हूँ और मैं क्या कहूँ। इसी तरह आप लोग सेवा में आए और इस सेवा का लाभ लें। मेरा नाम नूर आलम हुआ, गोपालगंज से हैं। हमको शुगर लमसम 3 साल से था। 3 साल पहले मालूम चला तो हमने आयुर्वेद का दवा खा रहे थे पर कभी उसमें कम हो जा रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था। यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर साहब का मालूम चला, हम यहाँ आए, आकर दिखाए हैं, लमसम लगातार 5-4 महीने के आसपास दवा खाए हैं। अभी 2 महीने से दवा हम नहीं खा रहे हैं, फिर भी मेरा 139 है सब कुछ खाने के बाद। शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ आने के बाद अच्छा लगा।
भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जयनगर गांव में मंगलवार की शाम को एक घर में करंट लगने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान जयनगर गांव निवासी बबलू शाह के रूप में हुई है। घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर के समय विद्युत विभाग का कर्मी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए मृतक के घर पहुंचा था, जहां मृतक द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन फिर भी जबरन कर्मी ने घर में मीटर लगाकर तार को खुला छोड़ दिया। वहीं इसके बाद उसे नंगे तार में सटने से बबलू गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में घायल को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां शुरुआती इलाज के बाद ग्रामीणों ने उसे सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपना घर परिवार चलाता था और उसे एक पुत्री एवं 3 पुत्र है। वहीं इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों बिजली कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बीते दिनों रेलवे ट्रैक पर एक घायल युवती बरामद हुई थी, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि युवती की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जबकि इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा शुक्रवार की देर रात बेहतर इलाज के लिए उसे मायगंज अस्पताल में एडमिट कराया गया था। बता दें कि पिछले 5 दिनों से वह घायल युवती अस्पताल की ICU वार्ड में एडमिट है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है और उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। वहीं बुधवार को युवती की हालत अधिक बिगड़ जाने के बाद उसे अस्पताल प्रबंधन द्वारा वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां चिकित्सक और अस्पताल कर्मी उसकी देखभाल कर रहे हैं। इधर ICU वार्ड की इंचार्ज सिस्टर का कहना है कि युवती की देखभाल में अस्पताल द्वारा कोई भी कमी नहीं देखी जा रही है, जबकि स्थानीय पुलिस भी युवती की पहचान के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिससे उसके परिजनों से संपर्क किया जा सके। वहीं पुलिस युवती की पहचान के साथ घटना के कारणों का भी पता लगाने में जुटी है, जबकि घायल अज्ञात युवती के पास से कोई भी पहचान पत्र नहीं मिला है। शुक्रवार को आई है 9 बजे रात में मेरे पास ICU में, और अननोन ही है वो, तो होश में है नहीं, तो कुछ बता नहीं पा रही है, और कोई परिजन अभी तक मिले नहीं हैं। हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं जो भी हो पा रहा है। मतलब क्या लगता है पेशेंट का कंडीशन ठीक तो नहीं है, बस बेहोशी थी, बस बेहोशी है बस। भागलपुर सुल्तानगंज के बिस्कोमान भवन में हजारों किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण खैरिया के किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर किसानों ने बताया कि बिस्कोमान भवन में मात्र 1400 बोरा यूरिया आया था, जो 2 ही दिन में खत्म हो गया, जिसके बाद से किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जबकि बाहर के खाद दुकानों में भी यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। किसानों ने यूरिया खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पर्याप्त मात्रा और उचित कीमत पर यूरिया नहीं मिल पाने के कारण खेती किसानी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिस्कोमान भवन के प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि यूरिया खाद का 1400 पैकेट आया था, जो खत्म हो जाने पर सैकड़ों किसान खाद लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब खाद आने पर ही किसानों को मुहैया कराया जा सकता है। इसको लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मनी ने बताया कि बाजारों में यूरिया खाद की स्टॉक है और किसान वहां से खाद ले भी रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के अपने दावे हैं, लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई किसानों द्वारा बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने यूरिया खाद के लिए खाद दुकान का चक्कर लगाना पड़ रहा है वहीं इसको देखते हुए जिला प्रशासन और कृषि विभाग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया जा सके और इसकी कालाबाजारी पर रोक लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। अब इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कितना किसान बचा हुआ, लेकिन क्या कहता है, बस बिस्कोमान केवल इस पूरे प्रखंड को नहीं संभाल सकता है, इसके लिए दुकानदार सबको भी सही रेट में खाद उपलब्ध करवाना पड़ेगा, तब हो सकता है। और हमारा रेक अब क्या कहता है, जब भी आएगा तो अब 10-15 दिन के बाद ही आने वाला है। हमको लगता है कि लगभग 30-40% किसान तो बचा ही होगा। यूरिया नहीं मिल रहा है बिस्कोमान में, यूरिया नहीं है। 1400 बोरिया यूरिया भेजा, उसमें भी मिला नहीं, 8-9 किसान आए थे, एक भी यूरिया नहीं दिया, ये नहीं तो देगा कहाँ से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।